अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेबी शॉपिंग से रिलेटेड है, विंटर बेबी शॉपिंग के कहाँ से आप लोग बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज में और अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस अपने बच्चों के लिए बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने कुछ ड्रेसेस अनाबिया के लिए बाय किए थे, सो आई थॉट कि आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि मुझे इनकी प्राइजेस और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लगी है। इस प्राइस के अंदर ये क्वालिटी कहीं और से अवेलेबल नहीं थी। मैंने काफ़ी पेजेस सर्च किए हैं, मार्केट भी सर्च करके देखा है। सो मैंने जो विंटर शॉपिंग किया नाबिया के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उनकी प्राइजेस भी साथ साथ बताती जाऊँगी ताकि अगर आप लोगों को भी लेने हैं तो आप लोगों को आसान हो। चलिए जी, तो सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये है जी इसका सबसे फर्स्ट ड्रेस, जो कि मैंने इस तरह से कुछ पेयर अप किया है डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन के साथ। ये मैंने टाइट्स जो है अनाबिया के लिए बाय किया था चेज अप से, जो इसकी प्राइस भी आपको नज़र आ रही होगी, जस्ट 300 रुपीज़ का है। और ये वॉर्म है, मतलब कॉट्राई टाइप के कपड़े के अंदर है, और स्टफ़ इसका बहुत ही मज़े का है, बड़ा अच्छा। और 300 रुपीज़ का जस्ट ये ट्राउज़र मैंने चेज से बाय किया था। और जी इसके साथ मैंने मैच की है ये स्वेट शर्ट। ठीक है, स्वेट शर्ट जो है वो मैंने ऑर्डर की है के जंक्शन से। अच्छा, के जंक्शन से मैंने पहले भी प्री विंटर में ही इसके कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए थे अनाबिया के, पर उसका साइज़ जो है मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, जैसे कि ये वाला। मैं भी आपको साइज़ भी मेजर करके दिखा देती हूँ। तो ये मैंने अब साइज़ मंगाया है इसका 3 to 4 ईयर्स का। ठीक है, तो ये साइज़ अब मुझे ठीक लग रहा है कि थोड़ी सी इसकी लेंथ भी उसे पूरी है, वरना ये जो 1 to 2 ईयर वाला साइज़ है वो उसको बिल्कुल बैली बैली तक है। तो मुझे चाहिए था थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि अंदर भी विंटर के अंदर हम जो है इनर वेयर्स भी पहनाते हैं बच्चों को, तो फिर कपड़े टाइट हो जाते हैं। तो ये साइज़ का आपने ऑर्डर करते हुए बहुत ध्यान रखना है। के जंक्शन आप ऑनलाइन इनका पेज सर्च कर सकते हो, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज हैं। ये साइज़ जो है मैंने इसका ऑर्डर किया है अभी 3 to 4 ईयर वाला। ठीक है, तो ये साइज़ अनाबिया को बिल्कुल ठीक है। इसका जो ओवरऑल लुक है वो कुछ इस तरह से आएगा। नीचे मैंने लाइट के साथ डार्क का कॉम्बिनेशन किया है, वरना चाहो तो ये सिंपल एक सिंगल शर्ट है। और इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ के जंक्शन की, जो अगर स्वेट शर्ट आप ऑर्डर करो। अच्छा, इस पर मेंशन नहीं है। वैसे ये स्वेट शर्ट जो है मुझे मेरे ख्याल से 699 रुपीज़ की पड़ी है, मतलब 700 ईच स्वेट शर्ट। और इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है और बड़ा ही कम्फर्टेबल सा है। और साइज़ मैंने आपको बता दिया कि बच्चों के लिए थोड़ा सा लूज़ अगर आप बाय कर लो तो बेहतर रहता है, इसलिए मैंने एक साइज़ बड़ा ही ऑर्डर किया उसकी एज से। ठीक है, तो आप लोग भी ऑर्डर करो तो थोड़ा सा साइज़ चार्ट को भी कंसीडर कर लीजिएगा। और दूसरा, अगर विंटर के क्लोथ्स हैं स्पेशली, तो उसमें हम इनर वेयर पहनाते हैं तो हमें थोड़ी सी लूज़ शर्ट चाहिए होती है। तो ये मैंने 3 to 4 ईयर का साइज़ ऑर्डर किया है नाबिया के लिए। ये था जिसका ड्रेस नंबर 1। ट्राउज़र मैंने चेज से बाय किया था और ये शर्ट जो है वो के जंक्शन से बाय किया है। ठीक है, दोनों की प्राइजेस भी मैंने बता दी। अब नेक्स्ट ड्रेस दिखाते हैं। ये पूरा ड्रेस भी मैंने के जंक्शन से ही बाय किया, इसके साथ इसका मैचिंग ट्राउज़र भी था, ये सिर्फ शर्ट नहीं है। और ये फुल ड्रेस जो है मेरे हाथ से इसमें इसका टैग होगा, यस ये है 1100 का। ठीक है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेज हैं और क्वालिटी में आपको अगर करीब से भी दिखाऊं तो बड़ी फाइन और सॉफ्ट सी है। इसका सेम जिसके साथ मैंने एक और ड्रेस ऑर्डर किया था दूसरे प्रिंट में, वो अभी वो पहन रही है और काफ़ी दफ़ा वॉश हो चुका है तो काफ़ी रफ़ हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि अगर इनको आप मशीन वॉश कर रहे हो ना तो ये ट्राउज़र्स तो फिर भी ठीक रहते हैं, बट जो शर्ट है उसके ऊपर थोड़े थोड़े से वो जिस तरह बुर आ जाती है आप कह सकते हो, वो हो जाती है। पर फिर भी इस प्राइस रेंज के अंदर इस टाइप के ड्रेसेस बहुत ही ज़बरदस्त हैं। चाहिए, इसके साथ इसका मैचिंग ट्राउज़र है मिनी वाला, इसको मैं फुल ओपन करके भी दिखा देती हूँ इस तरह से। ये इसका वॉर्म ट्राउज़र है, साथ सेम कपड़े की क्वालिटी और स्टफ़ जो है बिल्कुल सेम है, वही जो स्वेट शर्ट का है वैसा ही। ये 1100 का फुल ड्रेस था, 1 to 2 ईयर वाला। ठीक है, ये देखें 1 to 2 ईयर का साइज़ है ये। तो ये साइज़ अभी उसे बिल्कुल पूरा पूरा है, मतलब इन डेज़ में मैं अगर उसे पहना रही हूँ तो बिल्कुल पूरा पूरा है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अंदर जब हम इनर वेयर्स पहनाते हैं तो फिर बच्चे ना तंग होने लगते हैं कि अगर टाइट शर्ट्स हो। अब ये जो 3 to 4 ईयर वाला साइज़ है और 1 to 2 ईयर वाला साइज़ है, उसमें बस इतना डिफरेंस है, मैं दिखा देती हूँ। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि 3 to 4 ईयर वाला ना मंगाएं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा या कुछ ऐसा, तो ऐसा इशू नहीं होता। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है, ये देखें,
ये जो पर्पल शर्ट है वो 1 to 2 ईयर का साइज़ है और ये जो नीचे ब्लू शर्ट है वो 3 to 4 ईयर का साइज़ है। तो इसमें बस हार्डली 1 इंच का फ़र्क आ रहा है लेंथ में भी और स्लीव्स में भी। तो ये वाला साइज़ ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप 1 साइज़ ज़्यादा बड़ा मंगा लो अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ड्रेस ये मिनी वाला हो गया। ट्राउज़र्स इनके बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, मैंने अलग से भी ऑर्डर किए थे, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ वीडियो में। तो ये ड्रेस भी बड़ा प्यारा इसका है। थर्ड नंबर पे मैंने ये इसकी शर्ट ऑर्डर की है, ये भी सेम मैंने के जंक्शन से ही ऑर्डर की है और इसकी प्राइस भी 700 ही मुझे मिली है। और इसके टैग पे देख लेती हूँ, यहाँ मेंशन नहीं है बट ये भी 700 की ही है, आप इनके पेजेस पे भी जाकर चेक कर सकते हो। और इसके साथ मैंने जो है पेयर अप किया है जीन्स। ठीक है, जीन्स मैंने ली थी चेस से, जीन्स का साइज़ जो है वो 1.5 से 2 साल का साइज़ है, सही है, 1.5 ईयर to 2 ईयर्स का साइज़ है। ये पहन भी चुकी है, ठीक है, तो थोड़ी सी आपको ये रफ भी लग रही होगी, ये यूज़ कर चुकी है क्योंकि जीन्स के साथ हम डिफरेंट शर्ट्स वेयर करवा सकते हैं। तो ये हो गया जी इसके थर्ड ड्रेस, जो कि मैंने लेमन कलर में लिया था शर्ट और इसके साथ मैंने जीन्स का पेयर किया। चाहें तो आप इसको नॉर्मल प्लेन ब्लैक टाइट्स के साथ पहना लो तो भी ये बहुत प्यारा लगता है लेमन कलर, और चाहो तो आप इसको जीन्स के साथ पेयर कर लो। चेस्ट के ऊपर इस तरह के सीक्वेंस थे, मैं करीब से भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको क्वालिटी का अंदाज़ा होता रहे। और ये भी मैंने 3 to 4 ईयर का साइज़ लिया। तो ये जी था इसका ओवरऑल लुक, ये थर्ड ड्रेस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है जी नेक्स्ट ड्रेस, ये पूरा ड्रेस मैंने चेस से ही बाय किया सेपरेटली, मेरे हाल से 200 तक का ये ट्राउज़र था और 350 रुपीज़ की ये शर्ट थी। तो ये बहुत ही रीज़नेबल फुल स्लीव्स की शर्ट थी और ये आप इसको एज अ प्री विंटर भी कह सकते हो, जब बहुत ज़्यादा ठंड ना हो तो तब आप इसको पहना सकते हैं, वरना उसके बाद आप किसी भी स्वेट शर्ट के अंदर आप ये फुल स्लीव्स की शर्ट पहनाएं और ऊपर आप कोई भी स्वेट शर्ट पहना दें तो बच्चे अच्छे खासे वार्म रहते हैं और हमें ये डर नहीं होता कि उन्हें कोई ठंड लग जाएगी। ये वो पहन रही है अभी भी इन डेज में और पहन भी चुकी है, वॉश हो चुका है ड्रेस। अच्छा जी, इसका साइज़ जो है वो 16 है। ठीक है, तो ये 2 ईयर के बेबी के लिए 16 साइज़ बिल्कुल बेहतरीन रहता है, उससे थोड़ा लूज़ भी है और बिल्कुल पूरा है। ठीक है, इसके साथ मैंने ये लाइनिंग वाला ट्राउज़र मैच किया है तो ये इसके साथ बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट करता है, बड़ा कम्फी सा है, रफ़ टफ़ जिस तरह घर में बच्चों को हम कपड़े पहनाते हैं तो ये उस लिहाज से बड़ा बेहतरीन है। और चेज़ अप की बात करूँ, ठीक है, ये वाले जो मैंने ड्रेसेस लिए हैं वो चेज़ अप से लिए हैं, एक चेज़ वैल्यू है वो डिफरेंट है। अगर आप लोग कराची में रहते हो तो मेरी बात समझ आ रही होगी आपको, ये जो है मैंने लिए हैं चेज़ अप से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो इनकी प्राइसेज मैंने बता दी, बहुत ही रीज़नेबल पड़े और बड़े अच्छे क्वालिटी वाइज भी हैं, ये तो कितनी दफ़ा वॉश भी हो चुका है फिर भी बेहतर है। ये एक स्वेटर मैंने इनके लिए बाय किया है नाबिया के लिए, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये स्वेटर भी मैंने चेज़ अप से बाय किया है और इसकी मैंने मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली इसका टैग हटा दिया। ये जो है वो 1300 का मेरे ख्याल से मुझे ये स्वेटर पड़ा है, बहुत ही सॉफ्ट है और इतना यूनिक सा इसके ऊपर वर्क हुआ हुआ है ये, और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है इसका, 2 ईयर का साइज़ मैंने बाय किया है और ये इनको बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह के आप एक आध स्वेटर भी बाय कर सकते हो अगर आप चाहें तो। चेज़ अप विज़िट करके देखना, कि जंक्शन विज़िट करके देखना, आपको बहुत ही अच्छी प्राइजेज में अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, आप किसी भी शर्ट के साथ, किसी भी फुल स्लीव्स की शर्ट के साथ या किसी भी ड्रेस पे आपको लग रहा है कि बाहर जो है वेदर थोड़ा कोल्ड ज़्यादा हो रहा है तो आप ये स्वेटर साथ यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये एक हाफ अपर जैकेट, ये स्वेट शर्ट भी मैंने इनकी बाय की थी, ये भी जो है 1.5 to 2 ईयर का साइज़ है, जो कि ये अभी वेयर कर रही हैं आजकल और ये बिल्कुल उसे पूरा पूरा है, मतलब ये लूज़ नहीं है उसे, इसलिए जो मैंने अब न्यू ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के ऑर्डर किए हैं ताकि अब जो ड्रेसेस पहने वो थोड़े खुले हों, क्योंकि उसमें मुझे हो सकता है आगे उसे इनर वेयर्स भी पहनाने पड़े अंदर, तो वो वाली शर्ट्स ठीक रहे। ठीक है, अच्छा ये वाली शर्ट और ये मैंने ऑर्डर किया था एक्सपो सिटी से, एक्सपो सिटी की प्राइसेस थोड़ी सी के जंक्शन से हाई हैं पर उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बड़ा ही प्यारा है स्टफ़ है। इनकी प्राइसेस मुझे आई एम सॉरी यार याद नहीं है, इनके टैग्स मैं हटा चुकी हूँ। सो ये एक्सपो सिटी से मैंने बाय किया, एक्सपो सिटी के टाइट्स भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, कम्फर्टेबल और लूज़, तो अगर आप बच्चों के लिए टाइट्स बाय करना चाह रहे हो, जीन्स देखना चाह रहे हो तो एक्सपो सिटी भी विज़िट करके देख लेना। अच्छा जी, उसके अलावा ये मैंने कुछ ऐसे ही रैंडम ब्लैक टाइट्स ले लिए थे, ये भी मैंने चेज़ अप से लिया है,
ये देखो इसकी प्राइस क्या है, जस्ट 400 रुपीज़। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, चाहे कितनी दफ़ा भी आप इसको वॉश कर लो, इस पर कोई बुर नहीं आती, कोई रफ़ नहीं होते, कोई फर्ज नहीं होते, बहुत ही ज़बरदस्त ये रहता है। प्लेन ब्लैक टाइट्स तो मैं अक्सर जो है वो चेज़अप से ही बाय करती हूँ। ये भी मैंने इनका 2 से 2.5 साल का साइज़ बाय किया है, तो ये भी बड़े ज़बरदस्त है। और ये एक टाइट्स जो मैंने आपको बताई थी के जंक्शन से, वॉर्म टाइट्स जो मैंने ऑर्डर किए थे, ये वो है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है, ये वॉश भी हो चुका है एक दफ़ा भी, पर इसका आप स्टफ़ देख सकते हो, स्टिल एज अ न्यू, ये बिल्कुल न्यू की तरह लगता है। वॉर्म है, बड़ा कंफर्टेबल है, पहनाने में बहुत ज़बरदस्त है। इसका साइज़ 1 to 2 ईयर वाला है, जो कि इसको बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थोड़ा लूज़ भी है और इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट है। टाइट्स में आई थिंक आपको बड़ा साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइट्स इनके ऑलरेडी थोड़े से बड़े ही हैं, लूज़ भी हैं, कंफर्टेबल भी हैं और लेंथ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट थी। तो इनके टाइट्स मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे। मैं और भी सर्च कर रही थी बट मुझे 1 to 2 ईयर में साइज़ मिल नहीं रहा था। अब अगर इनके पेजेस पे आए तो मैं एक दो टाइट्स और भी ऑर्डर करूँगी। ये सेपरेटली भी मिल रहे हैं और जो इनके ड्रेसेस के साथ हैं सेम, वो भी वैसे ही हैं। ये देखो, ये देखो इसकी इवन लेंथ जो ड्रेस के साथ है, ये भी 1 to 2 ईयर का ही साइज़ था ड्रेस का, बट इसकी लेंथ और भी बड़ी है। सो टाइट्स की लेंथ इनकी थोड़ी बड़ी है, इसमें आपको बड़ा साइज़ ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप उसकी एज के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर करो। और क्वालिटी वाइज बड़े ज़बरदस्त हैं। तो मैंने आपको 3 साइट्स बताई हैं, एक एक्सपो सिटी, एक के जंक्शन और तीसरी चीज़ चेज़अप, आप विज़िट करके देख लो। तो आपको बच्चों के बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के और बड़े ही ज़बरदस्त से ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो जी ये थी कुछ अनाबिया की विंटर शॉपिंग। आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकी होंगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके साथ इस तरह के बहुत सारे ड्रेसेस और बेबी कंटेंट शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी शॉपिंग में, उनकी टेक केयर करने में, उनकी डेली रूटीन में। सो स्टे ट्यून, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।